तो टू बी होनेस्ट यार आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर आना है ये कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट में, खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं खुश हूँ बल्दे जी चर के यूट्यूब या खूब जाय ऐसा बल्दे दुखरो बल्दे हर कस बितने इनकम को दर्शता बशा आज मेहनत अस खुद खूब मैं खुद मैं हमेशा दुख्तर और मुझे हमेशा गुफ्त हूँ कि तनहा चीज़ शुमार ज़िंदगी कोशिश नहीं ये सर कि शुमो इंडिपेंडेंट बाशें वो फ़र्क ना शुमो उस बुझा तारीख इंडिपेंडेंट मुशीन शुमो कार मुनीन कोक मुनीन शुमो टीच मुनीन यूट्यूबर मुशीन हर कार मुशीन اس خاطر چیز اس خاطر از کی هیچ کس امدا شمور بیل شمرا نمید یا فیس شمرا نمید یا بلدی شوم چیز شوم خوشترین برایش من نمیخره اوبویسلی حیدر بھائی کے 6K سبسکرائبر کر دینا انشاءاللہ ضرور تھینک ہیلو السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ ویلکم بیک ٹو انادر سنی ڈے یعنی تو یار ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چوٹ لینے चर खानदानी यार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ये शर्मा गया चर खानदानी शर्मा गया यार यार तो अभी मैं जा रहा हूँ एजाज के साथ चवट लेने के बाद फिर आजाद सारे यूट्यूबर्स को एक ही फ्रेम में देखोगे आप लोग सारे यूट्यूबर्स को आजाद इफ्तारी के लिए भी बुलाया है कोको होटल है पता नहीं कोको नाम क्या है उसका मैं आपको फिर डिटेल में फिर बताऊंगा। हाँ नो नो पूजा खाई याली ना नो नो मो बाजार मोरे तो इस साल आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये सही है यार अब आया हूँ दूसरे दुकान में जिस तरह का मुझे चाहिए था मतलब इसी तरह का तो नहीं था तो था। लालेन शिल्वन वाला बशा पेंट वाला सवर इधर सर आपको लेट तो नहीं होगा पता नहीं सब देन है कर दें तो पावर से जो कर लीजिए मैं उनके साथ कुछ किलो ना मेरे साथ कुछ यार दो पेंट यहाँ से ले लूँगा अगर ले जाकर ट्राई करूँगा फिर अगर सही था फिर ले लूँगा तशक्कुर लाले लाला यार उठते ही दो पाँच सेकंड ही नहीं हुए इसको उठते हुए आई आई तू गाओ बुबर बुरा फाराम शखोन हो ना बुरा बुबर अली हुसैन मामा बोरन पेश अली हुसैन मामा बोर ब्रो यार जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ तो आकर अपनी मदर से ही पूछता हूँ कि कौन सा पहनूं तो आज भी नानाई कुदम शे कदेंजी पेंट कुदम शर्ट को अपशुम ई आई ना वो खाजी दा दिगा इमशाव इफ्तारी कोई गदा ना एक जाए ना कच कुदम अमरुम गुमी ई आई ये फुल अस्ती ना
Amishi? Nane mam mugamira. Emisham bu pasayim. Ana. Emisham sayim. Ana. Garamniya bazam shawa yak. Oh, ye dono done. यार शावर करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगा। यार आज रात फैमिली वालों ने बनाई है क्या कहते हैं उसे, चिकन रोल, साथ में वेजिटेबल रोल। मगर आज मैं घर पे नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे लिए घर वाले ज़रूर रखेंगे, मुझे पता है मेरे बगैर नहीं खाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स गो। यार अपने हुसैन भाई को काम दिलाया मैंने कि आप कार को साफ करो, मुझे जाना है कहीं पे, तो वो और क्यान दोनों कार को साफ कर रहे हैं। गाड़ी साफ नहीं आ महिला साफ। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू अली हुसैन। यार अब सबसे पहले हैदर भाई को पिक करना है, हैदर भाई को पिक करने के बाद फिर जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। हैदर भाई ने अलावर किया था कि इकट्ठे चले, मैंने भी कहा डन हो गया इकट्ठे ही जाएंगे। अभी हैदर भाई को कॉल करूंगा कि निकलो घर से, वी आर लेट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ मी ऑब्वियसली। तो यार आप लोगों से मिलूंगा जब हैदर भाई को पिक कर लूँ। यार हैदर भाई को पिक कर लिया तो लेट्स गो हैदर भाई, वी आर लेट बिकॉज ऑफ मी आई नो। यस वी आर हेलो वाला लेट, टू मच लेट, फोन भी आ रहा है। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे। यार नीचे दो ओवर के से मिल गए, वट जो एड द वन एंड ओनली फाइज यार चलेंगे ऊपर। यार इन्विटेशन कार्ड तो 5 बजे लिखा था मगर हम लोग पहुँच गए 7 बजे, टू मच लेट। कार्ड पे 5 और हम लोग पहुँचे 7 बजे। ओ यू आर चीफ गेस्ट शशके साथ। यार ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मुझे इनवाइट किया था इफ्तारी पे, तो मुझे एक इन्विटेशन कार्ड पे 5 बजे लिखा था, मगर मैंने सोचा यार अगर अजान से 20 मिनट पहले भी पहुंच जाए तो कोई इशू नहीं है। मगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उससे चेयर वगैरह सब लगाया है भाई लोगों ने। सेशन इफ्तार से पहले होना था मगर कुछ मजबूरियों की वजह से इफ्तार के बाद ही होगा, तो मेरी वजह से इफ्तार के बाद ही होगा। मतलब बहुत बहुत सॉरी टू ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह अब देखेंगे इसके बाद सीन क्या बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर यार एक डिनर जो है यूट्यूबरों के साथ डन हो गया और एक स्टूडियो के मेंबर्स के साथ, ये तो लाजमी है ना, ये तो बनेगा ना। सही सर, तो अब आप लोगों को मिलवाता हूँ द वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट मुदस्सिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, हैदर भाई के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम अर्ज किया जाता है। और हैदर भाई थैंक्स फॉर कमिंग आज के इस इवेंट में। आई यू नो दैट यू आर समहाउ लेट बट अगेन थैंक्स फॉर कमिंग। आज हमारा ये मीटअप दरअसल इस बारे में है, मैंने हज़ारों के सभी इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है, आज रात के एक साथ इकट्ठा बैठेंगे। बात जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल वाला मीटअप देखा था जो कि सरवरी साहब ने प्लान किया था, ये हमारा आज का ये मीटअप उस मीटअप से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। आज के इस मीटअप में यूट्यूबर्स होंगे, मॉडल्स होंगे और फोटोग्राफर्स होंगे, तो सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स फॉर योर नाइस मीटअप। थैंक्स फॉर कमिंग। यार आप लोगों को बताते जाओ, सही है, हम लोगों ने अभी तक फूड का एक्सपीरियंस नहीं किया है, मगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर आना है कोको कोको रेस कोको कैफे कैफे एंड कोको 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 रेस्टोरेंट कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट में आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर जब मेरा ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर विज़िट करना है। और विज़िट करने के बाद
फिर आप लोगों ने नीचे कमेंट में डन जरूर लिखना है ताकि मैं समझ जाऊँ यार कि मेरे व्यूवर्स आए हैं कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट में। खूबसूरती के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट पूरे क्वेटा में है। अभी तक खाना मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करेंगे, फिर हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों को आखिर में देंगे। यार आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी मतलब झूठा रिव्यू नहीं देता कि मतलब खाना चाहना हो कि मैं को नहीं यार खाना चाहता प्लाटिन को, तो आज रात भी उसी तरह ही करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने वेट करना यार, रोज़ा भी था मगर अभी तक खाना नहीं खाया, तो खाना खाएंगे फिर इंशाल्लाह रिव्यू। जब तक आप एक तो बिलीव यकीन हो ना, दूसरा उस चीज़ के लिए ना, लाइक एक किस्सा करूँगा। अरस्तु बड़ा फिलोसफर गुजरा यूनानी, तो एक लड़का आता है उसके पास जवान सा, कहते हैं यार मैंने आपकी तरह एक आलिम बनना है, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है आप सुबह आना समंदर के किनारे, ठीक है। तो वो जब जाता है तो वो उस लड़के को समंदर के अंदर वो उसको नीचे करते, उसका सांस बंद होता है, तो वो ज़बरदस्ती कहता है कि यार मुझे निकालो। तो जब वो निकलता है ना तो वो कहता है सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए थी, उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा सांस चाहिए थी समंदर के नीचे, ठीक है। तो यार तलब और तशनगी ज़रूरी है भाई, जब आप में वो चीज़ पाने की चाह ना हो ना, आप करोगे नहीं भाई, ठीक है। और ये नहीं है कि यार उसने किया मेरा नहीं होगा, अभी ये कर रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं है भाई। ये ऑल अबाउट लाइक ये थॉट्स हैं आपके, जब आप वो करते हो ना खुल जाते हो माइंड से, तो भाई कौन सा ऐसा काम जो आप नहीं करोगे, हो सकता है। अक्सर ये होता है ना कि हम यार वो उसका हो गया, या दूसरा सर्कल भी है चुमो तो खुदम सर्कल मिश्तिन तरह नहीं, बसा डिपेंड है सर्कल चुमकी शिशता है खुदम, तमाम फेलियर नफर आया या विनर नफर आशिशता कर चुम ई विचार ज़रूरी है बच्चे। अगर इफ़ यू फील कि यार इस तरह कोई नहीं मेरे सर्कल में, तो ना वर्ड तो अकेले जियो, फिर झेलो ना मेरा अकेले जियो सर्कल माइंड सेट माइंड सेट कंपनी में या फिर बस तना तना एंड सेल्फ स्टडी मस्ट है बच्चे। यानी कुछ ना कुछ करो यार, कुछ ऐसा करो कि किसी ने नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं है, सोचा आपने किया है वो। एक मिनट भाई यार, मैंने बताया कि यार मैं से भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यार। मेरे एक सर दोस्त जब जाते थे मतलब गेम खेलने, तो मैं सेफ भाई के साथ बैठता था। सेफ भाई का दो तीन बात मुझे याद है कि सेफ भाई ने एक बात मुझे कहा था, डोंट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द ट्रुथ। तो मैं अक्सर मतलब मैंने एक सेंटर में मैंने टॉपिक भी यही एक दिन डिस्कशन के लिए रखा, डोंट फॉलो द मेजॉरिटी फॉलो द ट्रुथ। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन भी हुआ उस पर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ वो है सेफ भाई। तो आप लोगों ने एक एग्जांपल तो अभी देख लिया आप लोगों ने, अरस्तु तो वो एक फिलोसोफर है, तो सेफ भाई ने उसका एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। तो अभी यार फाइज ने कहा कि व्हील पावर कैसे जनरेट करे सेफ भाई। अच्छा व्हील पावर कैसे, समटाइम्स ये होता है ना, आप शायद इस चीज़ को एग्री करो कि कभी कभी हम कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम किसी के दूसरे में देखते हैं जो हमारे पास नहीं होते ना, तो वो इंसान को मोटिवेट करता है। तो सेल्फ स्टडी ज़रूरी है अलबत्ता, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ करो भाई, बिल्कुल कुछ नया कुछ कुछ नहीं। तो आप सब सारे अपनी अपनी पोजीशन पे काम करो तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा आपको भाई, बस लगे रहना सर। यार मुझसे फाइज ने भी सवाल पूछा कि आप फाइज आपने पूछा कि आपको किसने इंस्पायर किया, हाँ फाइज ने मुझसे पूछा कि आपको किसने इंस्पायर किया व्लॉगिंग के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे सबसे पहले माँ सफदर, उसके बाद डक्की और उसके बाद सिस्ट्रोलॉजी, और सिस्ट्रोलॉजी में मतलब इकरा कवल और सेकंड पे मतलब सलमान, जानता होगा कौन है वो ज़रूरी है ऐलान। यार खाना भी हो गया है तैयार, इससे पहले ये मेरे ख्याल में किसी ने ब्लॉग भी नहीं किया, सबसे पहला बंदा मैं जो के ब्लॉग में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं फूडी बंदा हूँ तो आप लोगों को पता है। तो
ऑर्गेनाइजर साहब खुद काम कर रहा है, मुदस्सिर को यार मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एहसान कभी जिंदगी में भी नहीं बुला सकूंगा। एहसान ये फर्ज अदा कर रहा है, फर्ज अदा कर रहा है। नहीं फिर भी हम लोग बेटे और मुदस्सिर भाई काम कर रहे हैं यार। यार आप लोग देख सकते हो खाना वाना भी लग गया है, अगर और ब्लॉग बनाए फिर पीछे ले जाऊंगा, तो इस वजह से खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलूंगा। कम खाते हैं यार। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम मौजूद है, फुलन मौजूद। यू नो आई एम सूप लवर। यार पेट फुल हो गया तो फिर मैं भूल ही गया था कि सलमान ने व्लॉग स्टार्ट किया, फिर मुझे याद आया कि यार खाने के बाद मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। तो कसम से यार टू बी होनेस्ट आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी झूठा रिव्यू नहीं देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को। तो यार आप लोगों ने ज़रूर यार आप लोग देख सकते हो बहुत ही मतलब आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से मैं साइड पर जा रहा हूँ। तो यार आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी झूठा रिव्यू नहीं देता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, और ना ही मतलब झूठा तारीफ करता हूँ। तो टू बी होनेस्ट यार आप लोगों ने ज़रूर आना है ये कोको कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा सूप चाउमीन और साथ में चिकन मंचूरियन और छोलो कबाब तो मतलब बेस्ट था ओवरऑल। ना सिर्फ छोलो कबाब, ओवरऑल मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा था। आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है, ज़रूर। यार तो अब आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ धवन एंड ओली। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा फेवरेट मतलब यूट्यूबर हज़ारा में, जो बहुत ही अपने वीडियोस पे बहुत ज़्यादा काम करता है। मुझे जब भी कोई मतलब थंबनेल के लिए क्या कहते हैं फ़ॉन्ट वगैरह या फिर कोई अच्छा सा थंबनेल वगैरह बनाना हो तो मैं ओबियसली ताहा भाई से ही। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं हैदर भाई का जितना शुक्र अदा करूँ कम है मुझे इतना समझने के लिए, क्योंकि मैं इतना डिजर्व नहीं करता हैदर भाई। यू डिजर्व मोर ताहा भाई। यार कसम से मुझे ताहा भाई का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अपने वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब ये डेली व्लॉगर नहीं, ये सिनेमैटिक व्लॉगर है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सिनेमैटिक व्लॉगर का मतलब ज़्यादा वो है नहीं, रुझान नहीं है। इरफान जुनेद, जो आठ भाई वासिफ, यू खानों, उन लोगों ने तकरीबन उन लोगों ने क्विट ही किया। अभी यू खानों को देखो, यू खानों ड्रामा इंडस्ट्रीज में जा रहा है। बिल्कुल। और इरफान जुनेद जो जी इरफान भाई तो आजकल प्रमोशन ही सिर्फ कर रहा है। और आठ भाई वासिफ भाई आजकल वेडिंग्स स्पेशली वेडिंग्स ही अटेंड कर रहा है। फिर उसके बाद और मोरू यार गॉड ऑफ व्लॉगिंग इन पाकिस्तान, मोरू। मुझे मेरे दोस्त हमजा भाई ने बताया था कि पाकिस्तान में जिसने व्लॉगिंग को ईजाद किया वो है मोरू। तो वो भी आजकल मेरे ख्याल में मतलब एक्टिव नहीं है, दूसरे एक्टिविटीज़ में। जी मतलब मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर ताहा भाई के चैनल पे जाना है, और ज़रूर अपने तहे दिल से आप लोगों ने ताहा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाओ यार, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब ताहा भाई वीडियो अपलोड करेगा, कब आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। तो ताहा भाई आप आज का मतलब आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या मतलब, इसे और भी मीटअप्स होने चाहिए या नहीं? यार इस तरह का मीटअप हमारा एक दफ़ा पहले भी हो चुका था, तो वहाँ पे भी मैंने अपने राय का यही इजहार किया था कि इस तरह का मीटअप जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ऑफ कोर्स दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, मुख्तलिफ फील्ड्स से होंगे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे आज हमारा जो इनफॉर्मल टॉक रहा और इफ्तारी रहा, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, तो हमें डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता चला। और मैं मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के मीटअप्स देखना चाहूँगा, इस्पेशली हज़ारा यूट्यूबर्स या फिर अगर कोयटा यूट्यूबर्स आप कह लें। सो थैंक्स टू कोको रेस्टोरेंट फॉर inviting us and Mudassir bhai ke unhone ye organize kiya and Haider bhai for coming, so thank you so much. Welcome yaar, taha bhai sorry aaj main late ho gaya.
मेरी वजह से हैदर भाई भी लेट हो गया बेचारा। हैदर भाई मैं तो हैदर भाई के बगैर नहीं। हाय 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 थैंक यू। आइंदा मैं हैदर भाई ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं बल्कि कंफर्म कंफर्म इंशाल्लाह टाइम पे ही आऊंगा, आपको जुर्मानगी से बचाऊंगा जरूर। अच्छा डन थैंक यू। कैमरे की आंग आपको देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुझे इन लोगों का पर्सनली चोको लावा केक बहुत ज्यादा पसंद आया। देखो बताइए आपने क्या कह रहा था कि मुस्कुराई आप कैमरे के सामने खड़े हो। अच्छा कैमरे की आंख देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यार, कुछ तो नहीं कर रहे मेरे भाई। अच्छा क्या टेस्ट कर, क्या बोलना चाहिए था मुझे कि मुस्कुराई आप कैमरे के सामने, मतलब मुस्कुराई है। अच्छा आप कैमरे के सामने खड़े। अच्छा सही है सही, मुस्कुराई है आप कैमरे के सामने, आप कैमरे के सामने खड़े हो। अवलसी अवलसी आपको देख रही है। इन लोगों का जो चोको लावा केक है वो बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने अपने लिए एक और ऑर्डर किया। अच्छा यार तो ताहा भाई ये ट्राई करा है तो ताहा भाई मुझे भी टेस्ट करवा दो। श्योर 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 श्योर। आपने ये टेस्ट नहीं किया था? नहीं। तेरशिन तेर आपने ज़रूर अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताना है कि ये कैसा था फ्लेवर के हिसाब से और लाइक ओवरऑल। इसको एहसान भाई ने बनाया है भाई, क्या बताऊँ क्या बताऊँ भाई, इंतहाई मज़ा बिग लाइफ यार। तो आप लोगों ने भी ये ट्राई करना है ज़रूर इंशाल्लाह। यार अब मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ एक फीमेल हज़ारा यूट्यूबर से, वो पहले यूट्यूबर थी उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल भी है। हज़ारगी में या हज़ारगी में ही इंटरव्यू लूँगा। इसके बाद कैमरामैन बनेगा जाकिर किरो भाई। माया शमोर मिला उन्होंने कभी, मतलब दस्याल अजमा तारुफ मुहताज ना तरह मगर बाजम वो आदमा की नवस्था बरा उजना इनास्ता मिस परवीन बख्तियारी मैंने नज़र अजमा शायद इनावलना यूट्यूबर ही हज़ारा टाउन फीमेल यूट्यूबर बुदा आजकल मतलब मर ना मिला कि ना एक्टिव हस्ता वह जुहा चम पुरसानी व मैंने फील्ड मॉडल ममदा मॉडलिंग का ममदा मतलब वह जुहा चम पुरसानी ज़्यादा से ज़्यादा एक चार पाँच मिनट टाइम इस गान मिले। अस्सलाम वालेकुम मिस, खुबिन बखैरिन शुक्र शुमो खुबिन बखैरिन मिस अवलना सवाल अजमा मतलब د نظر از ما شما د خیال اول نه فیمیل هزاره یوټیوبر هستن یا نه شما پیش ما گو بوده یا نه از ما پیش این تر مطلب کی ماشاءالله پیش رفته بوده ام بوده یا نه یا خالی هم تر برای شوق یا نه یا نه یال کی نو دخترو ما یاد را انتر بدش فل آسانه نه دو باز ما سوچ می‌کنم که اوتم که ما آمدم ما تانا بودم چون ما زیاد هرد شدم فتیشی टू बी होनेस्ट एक टू बीइंग यूट्यूबर यार ये किसी का भी हक नहीं होता है कि किसी और को आप लोगों ने ट्रोल करना है। मतलब एज अ यूट्यूबर माँ मतलब द नज़र माँ ये चीज़ रहा कसरम नहीं दी कि शुमो ये कसी दिगर शुमो ट्रोल की एक्सेंट शी या लहजे शी या चीज़ सब ए टू जी सही है। मतलब ये चीज़ रखा सम हक ना तरह कि अगादम ट्रोल करना कि ये तरह उ तरह शुमर दजुक कारनिया माँ वो टाइम टाइम नानम गुफ्तुम बस पुछ तू आदमा गब मुगा क्या ज़्यादा बस है बस मिस तख्यालिम शुमो अवलना फ्रंट लाइन ही फीमेल हज़ारा यूट्यूबर शुमो बदिन कि जुबाद बस पुछते नाल हर कुदम शिकी माया تخیل منا اشمو گره جلدی اچیو کنه نه اشمو جلدی اوش خبر نیم مقصد یال که فول زیاد شده بختی یه چیزی انتر نورمال بختی زیاد نورمال معلوم میشه قص نورمال که مثلا بودی دکتر سکول موره اب لاب لوگو کو یال شمار میلاو منم قدیم میس کوبرا که بیستری میس پروین بختیاری است انتر بدقار است ولی بازم مارک است انتر کوششونم که زیاد دریخ نیرم خور سوال از مدر جواب می سمی کی یالو قص فرمال معلوم مشه کی دخترو لایک منی یوټیوب ما وخت کی نا اسکول مورا اوکے
لیکن ما خوش استم بلدی زیچر که یوتیوب یک خوب جای است بلدی دخترو بلدی هر کس بتونه اینکم خود داشته باشه از مهنت از خود خوب ما خود ما همیشه دخترها رو میگم همیشه گفتم که تنها چیز که شما زندگی کوشش نین این است که شما ایندیپندنت باشین او فرق نه شما بزن تاریخ ایندیپندنت میشین شما کار مونین کوک مونین شما تیچ مونین یوتیوبر مونین هر کار مونین از خاطر چیز از خاطر از که هیچ کس هم داشت شما را بیل شما را نمید یا فیز شما را نمید یا بلده شما چیز که شما خوش دارین برای شما نمیخره اوبیسلی بس تنها کس دی ای چیز را میتونه بلده شما پرک نه خدا نه شما استین بس وقتی که حرف مردم رو میشنوین بخواه مردم رو پشت میشنوین این چیز دیاد خوب برین که آیا یک روز اگر شما گوش نباشین اونا شما را سیر مونه یا نه نه بس او تیم مفهمین که چه قص ویلیو نداره گپ مردم بلده آدم صحیح مس د نظر از ما اشکل اکټیو معلوم نه مشه منی یوټیوب آن چی وجه مثلا وجه چی کبي مردم بلې از ما اصلا افیکټ نه کړت ما مثلا سه ادم هرت مون اولای شي اولای شي ادم مثلا ما تا وخت من سوشل میډیا نم ددم ما اصلا زندگی نه فهمیدم مردم رو نه فهم مثلا هزار تا رو نشناختم چی برسې زی کی ما بفهم زندگی چیز رقم ما زو بعد مردم رو شناختم هزار تا رو شناختم از رګور شناختم ما خود خر شناختم بس این می چیز بلدیز من کافی بود این نالیج بلدیز من کافی بود که ما از یوتیوب از سوشل میدیا از انفلوئنسر اونا را اچیف کنم بس که ما اونا را اچیف کردم مردم را شناختم گرب را شناختم را را کرافتم فهمیدم در نظر از ما این مقصد نالیج بلدیز من تاخیر زندگیم را بس استم بس دیگه اگر ما از خاطر اینکم باشه ما بلدیز سورس آف اینکم بلدیز خود خوب زیاد جور کردم که مثلا ما بتونم از این طریقه اینکم خود داشته باشم باز همین دیگه باز which is like یک ریزن نیه که ما بگم چرا سوشال میدیا رو لیک کردم سه چهار ریزنه که پرش مین مینه آها باز میس ماشاءالله شما من یه توپ مدل های هزار تاون شمار میشیم شما را کی اینسپایر کرده لایک شما کی شما از کی اینسپایر شده من مود فیلدی مدلینگ ما مدلینگ ما خود من زیاتر خوش داشتم باز کی بود دیگرام منی مدلای زیاتر پاکستانی زیاد خوش میماد اندیانم منی از اونا که بود دیگر دا غیر زو زیاد است منی امریکان اونا هم است که خوش دم اینه مو خود دا حد از ناسا نمیخوایی برسی کوشش هم نمونی لیکن این کم کم آدم اکسپایر میشه یکی مدلین فیلتر ما خوش نداشتم ما انفلوئنسینگ رو خوش داشتم سه لیکن مدلین رو صرف از شوق کردم کم کردم و قصدی لایک من مدل گفتنم شدم لیکن انفلوئنسر اینستاگرام گفتم شدم چک ما غیر از مدلین اناونسمنت داشتم ادورتایزمنت داشتم هر رقم ویدیو های شارت ویدیوز مایا لیزی مسکوراچن مطلب مختصر سوال آمونم مسکورا شما استمام ورکو سلام علیکم خوبین و خیرین جان جون دورا میس دخیال شما انفلوئنسر هستین و دیم دیگه یوتیوبر هم هستین خو شما خو مطلب چرا انت پروپر انت منی فیلدی ولوگینگ یا چرا هیز ا یوتیوبر چرا انت پروپر لایک مو د لاهور کې وښمنه استرولوژي منتلي لاکا کروڑا روپیا مطلب انکم درن یک دنیش کی بالرا کس خو ته لایک استرولوژي اقرا کلانچ خو اقرا بس اقرا کول فاطمه فیصله رابیه فیصله زینب بس دیگه شی یک شی زیاد نه وخته اونا اول یک دنه استرولوژي چینل بود بزینالو این اونا یک استرولوژی بال رفت یک خوار کلانچ قربانی داد خوب صحیح قربانی داد مطلب اینا لی بس خانه اینا شش یوتیوب چینل از بابیش هم است ڈاکٹر خدا خچی است اونا اینا لی مطلب ڈیپینڈنٹ نیه بلکس مطلب اینا لی شما گفتین مطلب شما بسیار مین ریزن از شما میس مطلب چره لایک می ترکی از لاہور والا است پروپر منی ڈیلی ولاگ ماں از شما مطلب چی وجہ ہے فیملی الاو نمونا یا گبائی مردوم استا یا خودون چم سستی منی چی وجہ ہے مطلب نه گپای مردم هم نیست دیگه فیلیا ملاو که دفعه میگه گلاو رم کتاب قصرش هم ملاو نم کتکی ما مدلین کنم یا اینستاگرام پیش بکنم کدم نه دراما ای چیزا بایم بس ما ولوگینگ زیاد خوش ندارم تا کم تو خوش دارم دیگه اصلا اینترست ندارم من ولوگینگ فیلم چیزا زیاد خوش دارم
ودرو منی فیلمم کاری کرد. خوب زود. او مطلب بسیار انتر ما انتر که دوباره میس پروینم گفتم این حق کس نداره که مردم یک دیگر ترول کنه کریتیسایز کنه او در نگاتیو طریقه صحیح روستینگ حق مردم است یوتیوب هم حق میده که شما روست کنین مگر هزارگو از مو یا مطلب مردم از مو روستینگ د دیگر لیول داره او د دیگر طریقه مو بره مطلب اینا برای شما افکت مونه یا نه شما کبرات هسته دوکری پروف هسته لیکن لایه دولی خدار دوکری کمه انت موخ را موره بوده دزی اثاری نه افکت نه مطلب هیزا یوتیوبر یا هیزا فلوینسر انفلوینسر باید آدم استیل پروف هم باشه مطلب انتر که آدم را کلو ترول مونه ترول پروف هم باشه هر پروف باشه آدم در نظر از من اونا که ترول مونه از خاطر از دیگه که اونا هیچ هنری نداره یک دو رقم تلنت اونا نداره که مثلا بگم اونی تلنت شور کنی تاکی فولوورز جمع کنی ویوورز جمع کنی چرا اونا خود خورا میچس بنه در یک نفری که کم بال باشه های لیول باشه بس اونا میچس بنه تاکی تاسود از اونا کم بال باره بس اونا هم آی تین که اونا هم حق داره که این کار کنه برای ویورشیپ اینا هم اگره ترول مونه که تاکی گروت کنه چینل حساب خود بس گرو هم مونه موش منی هم کسایی که مور مثلا داو میزنه از باره مور گرب میزنه فوتو های مور ویدیو های مونه دیگه از مونه از تمام مونه بس اونا چی قص برو مونه ویورز چی سبسکرایبرز چی لایک فولوورز چی فول بال مونه چرا که اونا خود خوره ده هر کس میچیز بنه تا که گرب بزنه بس خوبی از نه چیز خلا ایه که اونا که فیس اسلیخ نمیه فایس اسلیخ ایوان نمیه ساوند خوره ایوان ایدیک مونه او قص ترس که پس پشت از نه باشه بس حق داره ما مطلب ونس اگین از یوتیوبر امیر مگم که مو مطلب روستینگ حق داره صحیح ہے روستینگ دیگه طریقه و فیملی کس را انوالو کدو و بسیار زیاد پرسنل شدو ای مطلب یوتیوب خوچم خو ولاو نمون چند دیر پیش خو بند شده بود اگر من پاکستان روستینگ و غیرم بند شده بود مگر ما بسیار مطلب از سبسکرایب از تمام از رخو امیر چیز منم که روستینگ کنین مگر روستینگ دا نیگیتیو ساید نبرین و دا دیگه لیول نبرین که کس مطلب ظاهرا شاید بگن مطلب که مو مطلب میس پروین گفت که مو کم ذرا هارد مشودی که مطلب مو غلط کار نم نیم مگر مردم بازم مور شوال منا بسیار دا دیگه طریقه و ما شمو امیر پرزور امید منون که مطلب از پیش اگر کدین مطلب بسیار مختلف پیجا سا که دیگه طریقه فیملی کس را انوالو بنا بسیار ابیوزیف ورز یوز بنا که مطلب قابل گفتم نیا مطلب باید نکنه بسیار تشکر میس کنم بسیار تشکر ایدر بای تاٹا گود بای انشاءاللہ ایدر بای تینکس فور کمینگ यार यहाँ पे थंबनेल के लिए पिक्चर लिया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं यार तो अभी आप लोगों को मिलवाता हूँ एक कस्टमर जो के मैं नहीं जानता हूँ इसको मगर से ही पूछूंगा कि ये कहाँ से आया है और रास्ते में तो इसको बहुत सारे कैफे मिले होंगे मगर ये कोको ही क्यों आया है। अस्सलाम वालेकुम भाई सबसे पहले अपना नाम बताएं नाम क्या है। नाम अनीस खालिक मसीह है। अच्छा मैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह मैं नवा के लिए बाईपास रोड से नवा के लिए बशीराबाद फेस। अच्छा 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 भाई आपको तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे कैफे मिले होंगे मगर आप कोको ही क्यों आया। बस यहाँ का सर थोड़ा हम वैसे भी बच्चों के साथ एंजॉय करने भी आए थे और देखने आए थे माहौल कैसे का और माहौल बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ का और अच्छा लगा यहाँ पर। अच्छा आपने फूड ट्राई किया है यहाँ पे। बस अभी ट्राई करने लगे थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा तो अभी ट्राई करने आपने क्या ट्राई ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। अच्छा मैं आपको एक सजेशन दूंगा सही है आपने यहाँ पे मंचूरियन और चाउमीन ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। जब ट्राई करोगे तो ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे सही भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू वगैरह हो रहा है मगर मुझे जाना है अपने कारोबार की तरफ। आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जनरल गली में स्टॉल है तो जाऊँगा अपने कारोबार की तरफ। सही भाई भाई जहाज़ा ख्याल रखे दिन थैंक यू थैंक जी जा रहा हूँ। ذاکر بھائی بیر سن خدا حافظ نک بیمار سے جا رہے ہیں تھینک یو بورم خانہ تر کاروبار شاو میشتن بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ
तुम लोगों ने यहाँ पे सलमान सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस खुदा हाफिज मिस खुदा हाफिज कहा भाई ज्यादा लंबा नहीं करूंगा हाउ वाज द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यार काफ़ी मज़ा आया जैसे कि मैंने बताया कि यह यूट्यूब जैसे कि मैंने बताया था कि पिछली दफ़ा सरवरी साहब ने भी यूट्यूब मीटअप किया था उसमें सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाया था मगर आज इस मीटअप में मुझे यूट्यूबर्स के साथ साथ मुख्तलिफ वीडियोग्राफर्स फोटोग्राफर्स मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ भी मिलने का मौका मिला उन लोगों से उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला तो ये इस तरह के मीटअप्स महीने में एक बार लाजमी होना चाहिए थैंक यू यार मैं रैंडम ही बस यूट्यूबर्स के पास जाकर पूछा जाकिर भाई हाउ वाज द एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक फैबुलस वंडरफुल ओके तो ये इस तरह तक कि हम लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग की जिसमें बहुत मज़ा आया हम लोगों ने अपने आइडियाज शेयर की तो काफ़ी मुफीद रहा सही थैंक यू लियो प्लेलैंड में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आखिरी मंजिल में आपको यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिलेगा कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट यहाँ पर आपने ज़रूर आना है और ट्राई ज़रूर करना है आपको सही, बहुत मज़ा आएगा सही असदेर भाई हाउ वाज द एक्सपीरियंस उर्दू में हैदर भाई आज का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और पर्सनली आई रियली वांट टू थैंक कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स का ये मीटअप रखा और आप सभी से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई थैंक यू मिस हाउ वाज द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फुल खूब बहुत कैफे रफ्तो नान खोर्दो बहुत ही अच्छा लगा नए नए यूट्यूबर्स के साथ मैंने मीटअप किया और एक अलग सी खुशी थी तो खाना भी बहुत लजीज था मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर आप कोको कैफे एंड रेस्टोरेंट विज़िट करें लजीज खानों के लिए और लजीज फास्ट फूड के लिए इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम कीमत में अच्छा खाना मिलेगा थैंक यू हैदर भाई के 6K सब्सक्राइबर कर देना इंशाल्लाह ज़रूर थैंक दिल की बात हाउ वाज द एक्सपीरियंस Experience was not so good. Not so good. Why? Late हुआ था थोड़ा. आप late आए थे. रोज़ा लग रहा था मुझे. आप late आए थे. अजान से 5 मिनट पहले आए थे. आप भी इन्हीं के साथ ही आए थे. गजब बेइज्जती है. मगर मैं कह रहा हूँ कि experience was good. Yes, experience. How was the experience? नहीं, खाना वगैरह तो अच्छा था. खाना वगैरह अच्छा था बाकी सब कुछ ठीक था बस वो जो थोड़ा लेट हुआ था रोजा लग रहा था मुझे इस वजह से अच्छा नहीं था माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत लजीज था ये से भाई ये इफ्तार को इफ्तार इफ्तारी खोलने से पहले नमाज पढ़ता है मगर आज इसका नमाज मिस हो गया ना इस वजह से चल झूठा टाइम है मुझे नमाज नमाज तो मैं कल जाकर पढूंगा इंशाल्लाह हाउ वाज द एक्सपीरियंस यार सच अ नाइस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज लाइक कह सकते हो कि इसी एनवायरनमेंट मतलब यहाँ नहीं है तो ये बहुत अच्छी जगह है अच्छा ये दिल से मेरी मतलब है कि आप लोग आ सकते हो विजिट कर सकते हो खा सकते हो पी सकते हो और सबसे बड़ी बात कोई यार अच्छा हर कोई आ सकता है सबके लिए अलाव है सही, कोई सही, भी आ सकता है सही, कोई पाबंदी नहीं है एंड थैंक यू सो मच फॉर यू कि आप इतना हमारा ख्याल रख रहे हैं थैंक यू ब्रदर तहा हाउ वाज द एक्सपीरियंस The experience was really good क्योंकि इस तरह के मीटअप्स हर दफा हमें नहीं देखने को मिलते ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया फाइंड वन ऑफ द ग्रेट इवेंट्स ऑफ माय लाइफ में मैं इसे काउंट करूंगा एंड मेक मेमोरेबल सा हमारा दिन यहां पे गुजरा सो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल थैंक यू इधर अमर व्हाट्सएप का नुकोत जरूर थैंक यू दाफिस खुदा हाफिज़ विराट यार तो अब जा रहा हूँ वापस घर की तरफ यार मैं पहुँच गया घर हजिस्ता कियान आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर मी कि मामू उन लोगों को ले जाओ जन्नत गली नो बोरी अजीत फोन कर दम कियान कितना इंतजार किया वहाँ सुन के गुजरा फ्री हो यार वहाँ से फ्री होने के बाद अभी आया हूँ स्टॉल के पास स्वीट कॉर्न आइसक्रीम
यार मैं पहुंच गया ग्राउंड में, हो रहा है रात, मेरी भी आया है हम लोगों के साथ फुटबॉल मैच खेलने। यार घर पहुंच गया हूँ तो इसके बाद देखूंगा सीन क्या बनेगा। यार तो आज रात शहरी में है, नो नीड टू एक्सप्लेन रोल, फैमिली वालों ने तो रोल गाया था तो भी फाइनली एक मेरे लिए भी रखा है मेरी मदर ने, तो शहरी करूँगा, शहरी के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगा। दूधन है दो रोल। अल्हम्दुलिल्लाह शहरी भी डन हो गया, तो इसके साथ आज का व्लॉग यही पे एंड कर देता हूँ। होप सो के व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। और हाँ यार, ईद से पहले पहले आप लोगों ने मेरा 6K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, ताकि एक अच्छा सा सेलिब्रेशन कर लूँ ईद के दिन। तो फिर कल मिलेंगे, टाटा गुड बाय, टेक केयर।